हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि चौधरी है और मैं जयपुर ब्रांच से हूँ। आज हम कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी में मेजरमेंट दे रखा है, लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है और थिकनेस दे रखी है। और कंक्रीट का ग्रेड दे रखा है M25, उसका रेशियो है 1:1:2। और इसके लिए हम ड्राई कोफिशेंट यूज़ करेंगे 1.54। तो सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ थिकनेस को देखते हैं कि एक यूनिट में है कि नहीं। तो हमें दे रखा है फिट में और थिकनेस दे रखी है एमएम में, तो इनको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ और विड्थ फिट में है तो इसमें हम 3.281 का भाग देंगे, वो मीटर में आ जाएंगी। ऐसे ये थिकनेस है, ये 150 mm दे रखी है, इसको हम 1000 का भाग देंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टोटल वॉल्यूम, कॉन्क्रीट का टोटल वॉल्यूम। ये जो तीनों वैल्यू हैं इनको मल्टीप्लाई करके हम कॉन्क्रीट का टोटल वैल्यू निकालेंगे। ये क्यूबिक मीटर में आएगा 551.75। इसके बाद हम मटेरियल में सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सीमेंट का। तो सीमेंट का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई ड्राई कोफिशिएंट ऑफ कॉन्क्रीट अपॉन सम ऑफ रेशियो, जो ये रेशियो दे रखा है इसका सम, मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सीमेंट, जिसमें सीमेंट का पार्ट ये है 1, इसको। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट हमें दे रखा है 551.75, ड्राई कोफिशिएंट हमारा 1.54 यूज़ करेंगे, सम ऑफ रेशियो 1:1:2, ये जो रेशियो हमारा है, और पार्ट ऑफ सीमेंट 1। तो इसकी वैल्यू आएगी, मतलब हमारी सीमेंट का वॉल्यूम आएगा 212.42 मीटर क्यूब। इसके बाद इस वॉल्यूम को हम सीमेंट के वॉल्यूम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ही केजी में आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास 212.42 है, 1440 हमारे इसके सीमेंट का डेंसिटी होता है। और इसकी यूनिट मैं बताता हूँ आपको, इसकी यूनिट होती है केजी अपॉन मीटर क्यूब, और ये हमारा मीटर क्यूब में है। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी केजी में। तो ये है, ये जो वैल्यू आई है ये केजी में आई है। अब इस केजी की वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे बैग में। तो हमें पता है कि सीमेंट के बैग में कितने किलो वेट होता है, 50 किलो। तो जो ये वेट आया है इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे बैग आ गए 6117.80 बैग। अब इसी तरह हम अगला करेंगे सैंड का, फिर उसके बाद करेंगे एग्रीगेट का। उसके बाद हम अब सैंड की बात करेंगे, सैंड कैसे निकालते हैं। सैंड का भी वही फॉर्मूला है, बस इसमें चेंजेज होगा पार्ट ऑफ सैंड। उसमें पहले था पार्ट ऑफ सीमेंट, अब ये सैंड की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पार्ट ऑफ सैंड आएगा, वही है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 551.75, ड्राई कोफिशिएंट अपॉन सम ऑफ रेशियो, और पार्ट ऑफ सैंड ये 1 दे रखा है। ये सीमेंट का पार्ट रेशियो है, ये सैंड का, और ये एग्रीगेट का है, तो ये 1 है। तो वैल्यू सेम आएगी जो हमारी सीमेंट की आई थी, क्योंकि रेशियो सेम है, तो 212.42 मीटर क्यूब। तो अब हम इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है एक मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फीट होता है। तो हमारी वॉल्यूम है 212.42, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 से, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, हमारे सैंड का टोटल वॉल्यूम आया 212.42 मीटर क्यूब। अब हम सैंड को जनरली क्यूबिक फीट में मंगवाते हैं तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फीट होता है, तो इससे 35.31 को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मीटर क्यूब ये क्यूबिक फीट में आ जाएगा। इसकी वैल्यू आई 7500.55 क्यूबिक फीट। अब इसके बाद हम एग्रीगेट का निकालेंगे। तो एग्रीगेट में हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस चेंजेज होगा पार्ट ऑफ एग्रीगेट में, वही है टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, जो हमारा ये वॉल्यूम है ये हम यहाँ लिखेंगे, ड्राई कोफिशिएंट यहाँ से, और टोटल सम ऑफ रेशियो यहाँ से, फिर पार्ट ऑफ एग्रीगेट ये हमारा 2 है। इसके बाद इसकी वैल्यू आई 4.84 मीटर क्यूब। अब जैसे कि हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फीट होते हैं, तो मीटर क्यूब को हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो 424 इसके टोटल वॉल्यूम को हम क्यूबिक फीट से ये 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल एग्रीगेट की वैल्यू आएगी 15,001.36 क्यूबिक फीट। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं, जैसे इसमें M25 ग्रेड की ये कंक्रीट है तो इसमें हमें 10 mm
और 20 mm के एग्रीगेट साइज़ होंगे। तो इसमें 20 mm एग्रीगेट साइज़ होंगे 60% और 10 mm होंगे 40%। अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे आप, जैसा कि हमारा एग्रीगेट का टोटल वॉल्यूम आया क्यूबिक फिट में 15,001.36। अब हमें पता है कि M25 ग्रेड के लिए हमारे एग्रीगेट है उसमें दो साइज़ हैं, 10 mm एग्रीगेट और 20 mm एग्रीगेट। 10 mm एग्रीगेट की उसकी जो क्वांटिटी है वो 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम एग्रीगेट का, और इसकी 20 mm की है 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम जो एग्रीगेट का है। तो हमारा टोटल वॉल्यूम एग्रीगेट सही आया है, इसका 60% हम लेंगे तो हमारे 20 mm की वैल्यू आएगी 28.7। और इसी के बाद हम 10 mm का निकालेंगे जो 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम का है, तो 15,001.36 CFT का 40% हम लेंगे तो हमारे 10 mm एग्रीगेट की वॉल्यूम आएगा 6,000.54 क्यूबिक। इसी के साथ हमने सारा एग्रीगेट सैंड और सीमेंट निकाल लिया है। सो इंजीनियर्स, आपको समझ में आया होगा कि हम कंक्रीट में से एग्रीगेट सैंड और सीमेंट की वैल्यू कैसे, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अगर आप भी इस तरह से मतलब सीखना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी ज्वाइन करें हमारे जयपुर शाखा में, सीताराम सर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सिविल गुरुजी ज़रूर आइए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और कहीं जॉब अच्छी पाइए।